Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। तो बस आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। और मैं कहाँ आ गई हूँ, देखो मैं आ गई हूँ पार्लर में। तो सोचा कि कुछ स्पेशल करते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। तो देखिएगा, ये वही पार्लर है, मैं आपको बता दूं, जिस पार्लर में मुझे ब्राइडल किया गया था। मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, तो इसी पार्लर में मैं तैयार भी हुई थी। तो यही वो पार्लर है। और जब भी मतलब मैं आती हूँ, कभी मुझे काम होता है पार्लर में, तो मैं यहीं आ जाती हूँ। तो बस देखो फ्रेंड्स, फाइनली मैं क्या करा रही हूँ, मैं अपने बालों को आज कराऊंगी बिल्कुल सीधा। तो जो मेरे टेढ़े टेढ़े मैगी जैसे घुंघराले बाल थे, भूत जैसे, आज उनको बहुत सुंदर सुंदर सा बनाने के लिए आ गई हूँ मैं। तो मैं बता दूँ कि मजाक कर रही थी, मैं यहाँ पर कराने आई हूँ बालों को स्मूदनिंग। तो बस बालों पे मेरे क्रीम लग गई है, वॉश हो गए थे, मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई। तो उस टाइम ना लाइव चल रहा था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। सारा कुछ लाइव में आप लोग देख लेना, उस दिन की लाइव है ये। तो फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ पर दे दिया गया है जूस, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये दीदी हैं पार्लर वाली, जो पार्लर से ही मुझे प्रोवाइड किया गया है। तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसको पी के बहुत राहत मिली है। वैसे तो यहाँ गर्मी नहीं लग रही है, एसी चल रहे हैं, तो इस वजह से फिर भी जूस पीने में गर्मी में तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो भी मैंगो शेक है, मेरा फेवरेट है। तो बस यहाँ पर मज़े ले रही हूँ मैं मैंगो शेक के, और आप लोग भी मज़े ले मेरी वीडियोस देखकर। देखो कैसे कैसे मेरे बालों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। आ जाओ आप लोग भी। ये जो दीदी बैठी है ना चेयर पर, ये ही पार्लर की ओनर है। और फाइनली लुक दिखाती हूँ मैं अभी आपको, पूरा नहीं है ये। ये देखो बालों को वॉश कर दिया है अब, और प्रेसिंग भी होगी बालों पे। अब इस पर क्रीम लगाई जाएगी दोबारा से। तो बताना कैसे लग रहे हैं मेरे बाल ये आपको। अभी तो आधा ही हुआ है, अभी तो पूरा बाकी है करना। तो आज मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ, लेकिन हाँ पूरा एकदम से नहीं दिखा पा रही क्योंकि शूट मुझे ही करना पड़ता है इस वजह से। और खुद ही मैं अपने आप दिखा रही हूँ आपको, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा थोड़ा मैं जैसा हो रहा है मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ। प्रेसिंग जब हुई थी और जो वॉश हुआ था उसको मैं शूट नहीं किया था मैंने। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ, अब यहाँ पर क्रीम लगाई जाएगी। तब तक के लिए आ गई है मेरे लिए चाय यहाँ पर। बस अब चाय के मज़े लेते। थोड़ा सा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जब प्रेसिंग होती है ना बालों पर, इतनी ज़्यादा दर्द होता है ना यार बालों में, बहुत ज़्यादा सर में, मतलब इतना पेन हो रहा था बहुत। अब तब तक चाय आ गई, तो चाय से थोड़ी सी एनर्जी सी मिल रही है। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज चाय बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी पीने में, क्योंकि मैं देखो 11 बजे से आई हुई थी, 11 बजे से अब शाम के बज रहे हैं 5-6 बजने जा रहे हैं, और होने 6 हो गए हैं। तो कितना टाइम तो हो गया मुझे। तो फाइनली हो गई थी मेरी स्मूदनिंग, और फिर मैं आ गई थी घर पे। घर पे मेरे हस्बैंड आए हुए थे, मैं आपको बताना भूल गई, ये मेरे हस्बैंड हैं, मना कर रहे हैं मुझे कैमरे में मत दो। और फिर भी मैंने उनको थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया है, तो कह रहे हैं मत बना मेरी वीडियो। यहाँ पर वो अपनी साली को मोमोज खिलाने के लिए लेकर आए हैं। देखो हम लोग आ गए थे, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलो पार्क चल रहे हैं घूमने। तो बस पार्क आए तो बस मेरी सिस्टर ने मोमोज खा लिए यहाँ पर, मैंने तो नहीं खाए थे। हमने सोचा बहुत गर्मी हो रही है, चलो पार्क में जाते टहलने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो बस हम आ गए थे पार्क में, और हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं स्मूथनिंग करा लेती हूँ। वो बिना बताए आ गए थे अचानक से, शाम रात को 4 बजे आए थे मुझे लेने के लिए।
तो मैं फाइनली जा रही हूँ अपने ससुराल, लेकिन आज नहीं जाऊँगी, 2 दिन बाद जाऊँगी, क्योंकि 2 दिन बाद मेरे हेड वॉश है, हेड वॉश कराने के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि मैं करा तो बाहर भी सकती हूँ और 3 दिन का प्रोसेस तो बहुत ही मतलब बेकार है इसका, जो है ना 3 दिन तक कान के पीछे भी बाल नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैं गर्मी में सफ़र नहीं कर सकती हूँ, और वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम हुई बालों में तो फिर मैं दिखा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं हेड वॉश पार्लर में ही कराऊँगी ताकि रिजल्ट दिखे हेड वॉश के बाद। तो बस फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक था, सब्सक्राइब कर लेना, बस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करना भूल जाते हो आप लोग, और लाइक भी करना। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स को पूरा वॉच किया करो, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. From the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The last so long.